सबसे ज्यादा रिस्की काम अभी स्टार्ट होगा, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करें आज आप लोगों को दिखाता हूं। मोल्डिंग कास्टिंग, वेलकम टू माय आर्टिक चैनल। पिछले वीडियो में अपलोडेड ये मेकिंग प्रोसेस दिखाया था, तो चलिए आज को इसको मोल्ड करेंगे, कास्टिंग करेंगे फाइबर ग्लास। तो मोल्ड कैसे करें, देखिए पूरा के पूरा मैंने केरोसिन स्प्रे कर दिया, यहाँ पे देखिए डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, क्योंकि ये 8.5 फीट का लंबाई है, चौड़ाई भी है 4 फीट से भी ज़्यादा, तो बहुत रिस्की है एक पीस में करेंगे तो कोई बात नहीं, चांस नहीं लेंगे रिस्क का। तो इसको कैसे सॉल्व करें, दो पार्ट कर लिया, संभाल से उठाना है, मोल्ड भी संभाल के करना है। ये गुड क्वालिटी POP है, 25 किलो 18 किलो 20 किलो का बोरी में आता है। ये पहले फास्ट लेयर, इसमें पतला करना चाहिए, डिटेलिंग अच्छा से निकल कर आ जाएगा, ज़्यादा मोटा हो जाए तो मुश्किल है, डिटेलिंग अच्छा से नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये देखिए पूरा के पूरा, अभी एक चीज़ POP मोल्डिंग का टाइम, आपको टाइम ये सेटिंग हो जाए तो आपका काम गया, तो इसीलिए बहुत ध्यान से इसका कितना टेम्पर में है, कितना टाइट होने का टाइम कितना है, ये ज़्यादा ध्यान देना है। तो दो लेयर देखिए, पहले फर्स्ट लेयर, उसके बाद थोड़ा सा मोटा करके सेकेंड लेयर दे दिया। अभी ये जूट रेडी हो रहा है, ये कोकोनट जूट है, कहीं पे ऐसे नॉर्मल जूट भी यूज़ करते, ये मोल्ड का आर्मेचर है, ठीक है ना। तो ये देखिए जूट का एक लेयर हो रहा है, तो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर सूख जाएगा तो आपका काम भी पूरा गया, तो इसीलिए ध्यान में रखना है, ठीक है। जब गीला गीला मतलब थोड़ा सा टाइट हो जाए, ये टेक्निक है, ये आपको प्रैक्टिस करते करते ये नॉलेज आ ही जाएगा। तो ये जूट का लेयर हो रहा है, अभी देखिए उधर का मैंने आधा कंप्लीट हो गया, और जो वुडन ब्लॉक भी दे दिया, अभी नीचे वाला पार्ट भी कंप्लीट करना है, सेम प्रोसेस। तो हो गया दो पार्ट, ठीक है। इसमें देखिए ब्लॉक लगा दिया, क्योंकि ये सपोर्ट और भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बड़ा पीस में आपको इसी तरह का सपोर्ट देना ही है। ये देखिए मैंने दो पार्ट ऊपर करके उठा लिया, उठाने का कुछ दिक्कत नहीं है आपका, देखिए नीचे वाला ज़मीन में ये देखिए पीस ऐसे रह गया, इसमें कोई ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने केरोसिन स्प्रे किया था, मिट्टी का ऑयल जिसको बोलते, हो गया। तो ये मोल्ड मेरा रेडी है, अभी कास्टिंग करना है। तो फास्ट आपको क्या लगाना है, पहले तो दो मोल्ड को मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि एक ही पीस में कास्टिंग करेंगे, ठीक है। तो ये दो पीस में ज्वाइंट हो गया, अभी वैक्स पर लगा के फास्ट कोटिंग चल रहा है रेजिन का फाइबर ग्लास, ठीक है। वैक्स पर बहुत अच्छा से लगाना चाहिए, नहीं तो आपका काम फिनिशिंग करते करते आपका दिमाग खराब हो जाएगा तो इसीलिए सेपरेटर बहुत अच्छा से लगाना जरूरी है। अभी क्या है, फास्ट लेयर देखिए बहुत अच्छा से देना है, पतला करके देना है, नहीं तो आपका डिटेलिंग खराब हो जाएगा, जो टेक्सचर है खराब हो जाएगा, तो इसीलिए फर्स्ट लेयर का बाद ये सेकेंड लेयर थोड़ा सा मोटा करके, आप जहाँ पे डेप्थ है, जहाँ पे गड्ढा है, जहाँ पे नहीं घुसेगा, उस जगह पे आपको सेकेंड लेयर अच्छा से देना है, ठीक है। उसके बाद आएगा मैटिंग लेयर, तो इसमें आपको टाइम देना है, क्योंकि बड़ा पीस है, धीरे 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 आपको देना है, और आउटडोर में काम करे तो अच्छा है, जैसा गांव पे है हमारा, ये बहुत प्लस पॉइंट है। अभी जो है इसमें मैटिंग पूरा लगाने का बाद एक साइड से पूरा मैटिंग हो रहा है, ये मैट बिठाने का भी तरीका बहुत ध्यान से धीरे धीरे करना है, कहीं पे गड्ढा है वहाँ पे अच्छा से देना है, नहीं तो लेयर आपका थिकनेस जितना भी करे लेकिन उसमें गैप आ जाएगा तो काम बेकार हो जाएगा, लॉन्गजिविटी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैटिंग करते टाइम यह ध्यान में रखिए, अच्छा से बिठाना है, जहाँ पे जितना गड्ढा है उसी हिसाब से इसको दबा के बिठाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे इसका कलर प्रोसेस, ठीक है, पूरा प्रोसेस को दिखाएंगे। आप लोग मेरा साथ में रहिए, देखते रहिए। अभी तक मेरा चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में बेल आइकन दबा के रखिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए।
और साथ में रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।